टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में चर्चा करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच तक चली और इसका मूल लक्ष्य अगर देखा जाए तो सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास था। मॉडल की बात करें तो व्यापक आगत निर्गत मॉडल था। अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उपाध्यक्ष के सी पंत। उद्देश्य अगर देखा जाए तो भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना, उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार उपलब्ध कराना, जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर को 16% कम करना, लैंगिक अंतराल को कम करना, सेवा क्षेत्रों को तीव्रता प्रदान करना, प्राथमिक शिक्षा की पहुंच। अनुमानित लक्ष्य अगर देखा जाए तो GDP का 8.0%, प्राप्त लक्ष्य GDP का 7.6%। प्रमुख उपलब्धियां अगर देखी जाए तो निर्मल भारत अभियान 2002, सामुदायिक शौचालयों की सुविधा का विस्तार, अफ्रीकी फोकस कार्यक्रम 2002, अफ्रीकी महाद्वीप में भारतीय उत्पादों को लोकप्रिय बनाना तथा उनकी मांग उत्पन्न करना। कृषि मूल्य स्थिरीकरण कोष 2003, राष्ट्रीय कृषि आय बीमा योजना 2004, राष्ट्रीय कृषि आयोग स्वामीनाथन आयोग का गठन 2004, प्रथम राष्ट्रीय विदेश व्यापार नीति 2004, निर्यात संवर्धन तथा रोजगार संवर्धन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, नरेगा 2005, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2005, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण करना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, भारत निर्माण कार्यक्रम 2006, ग्रामीण भारत का सशक्तिकरण, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM लागू, सारफेसी एक्ट लागू। इस योजना में पहली बार राज्यों के साथ विचार विमर्श कर राज्यवार विकास दर निर्धारित की गई। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है उसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।